बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इस वक्त जो सुनवाई चल रही है उससे जुड़ी एक एक अपडेट TV9 भारतवर्ष आपको लगातार दे रहा है। जितेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त कोर्टरूम के बाहर मौजूद हैं। पीयूष पांडे कोर्टरूम के अंदर से पल पल की अपडेट से हमें करा रहे हैं वाकिफ। जो बड़ी बातें अभी तक निकलकर सामने आई हैं वो आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि जमानत दी जानी चाहिए उनके मुवक्किल को, क्योंकि जो ग्राउंड है वो सीधे तौर पर बनता है। सीबीआई ने जिस तरह से उन्हें अरेस्ट किया उसको लेकर भी सवाल अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से उठाए गए और कहने की कोशिश, बताने की कोशिश अदालत को यह की गई है कि गिरफ्तारी उचित नहीं थी, सशर्त जमानत भी अगर दी जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, इस बात का भी जिक्र अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से किया गया है। और इस मामले में हमने देखा है, इससे पहले चाहे विजय नायर का मामला हो, मनीष सिसोदिया का मामला हो या फिर के कविता का, उन्हें भी इन्हीं ग्राउंड्स पर जमानत मिली थी। तो उन्हीं ग्राउंड्स का जिक्र करते हुए अभिषेक मनु सिंघवी अरविंद केजरीवाल के लिए जमानत मांग रहे हैं, हालांकि सीबीआई ने इसका विरोध किया है। और सीबीआई की तरफ से यह भी कहा गया कि याचिकाकर्ता की याचिका खारिज होनी चाहिए, क्योंकि याचिकाकर्ता यानी अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बड़ी टिप्पणी में साफ तौर पर इस बात के संकेत दिए हैं कि आज अरविंद केजरीवाल को राहत मिल सकती है सुप्रीम कोर्ट से, जब सुप्रीम कोर्ट के जज की तरफ से इस मामले में यह कहा गया कि जेल अपवाद है, बेल नियम है। आप देखिए, यही बात कही गई थी इससे पहले चाहे विजय नायर हो, मनीष सिसोदिया हो या फिर के कविता, जब उन्हें जमानत मिली थी। तो पहला संकेत तो आ गया है जितेंद्र, कुल मिलाकर, और ये अपने आप में इस बात का संकेत कि अरविंद केजरीवाल को आज राहत मिल सकती है सुप्रीम कोर्ट से। जी बिल्कुल, देखिए अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से जो दलीलें रखी जा रही है उनकी कोशिश है कि ये साबित किया जा सके कि जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी है वो एक राजनीति के तहत की गई है। यानी कि उन्होंने इस तरीके की दलील रखी कि मुकदमा 2023 में दर्ज किया गया सीबीआई के द्वारा, 2024 में उनकी गिरफ्तारी फिर एक साल बाद क्यों की गई। अगर सीबीआई के पास स्पष्ट सबूत थे या सीधे सबूत थे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ तो उनकी गिरफ्तारी तुरंत की जानी चाहिए थी। जून में जिस वक्त पूछताछ सीबीआई ने की तिहाड़ जेल में जाकर, उस दौरान उसके तुरंत बाद ही अरविंद केजरीवाल को क्यों गिरफ्तार किया गया। तो इस तरीके की दलीलें फिलहाल अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से की जा रही हैं और कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही है कि इसको एक राजनीतिक रूप दिया जा सके अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को और उनकी जमानत करवाई जा सके। साथ ही जो इससे पहले तीन किरदार जिनका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं इस पूरे मामले में, के कविता जो कि BRS नेता है, मनीष सिसोदिया जो कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इसके अलावा विजय नायर जो कि बेहद करीबी रहे हैं मनीष सिसोदिया के, अरविंद केजरीवाल के, इन तीनों की जमानत के जो ऑर्डर था उसका जिक्र करते हुए, उस पर टिप्पणी करते हुए साफ तौर पर आज फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो जेल है वो एक अपवाद है जबकि जमानत जो है एक नियम है। और साथ ही ये भी कहा कि जो शेष प्रक्रिया है वो जारी रहेगी, यानी कि जो जांच है वो जारी रहेगी। तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर संकेत दिए गए हैं। अब देखना होगा कि आखिरकार किस तरीके की दलीलें अब अटॉर्नी सॉलिसिटर जनरल SV राजू की तरफ से रखी जाती हैं, अपना पक्ष कैसे सीबीआई रखती है इस पूरे मामले में अभिषेक मनु सिंघवी के खिलाफ। जी बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर फिलहाल जो जानकारियां सामने आ रही हैं उसमें संकेत तो है जरूर कि सुप्रीम कोर्ट आज अरविंद केजरीवाल को राहत दे सकता है, लेकिन थोड़ी देर में ये क्लैरिटी हमारे सामने होगी। जितेंद्र शर्मा हमें हर जानकारी से करा रहे हैं वाकिफ। आप सोचिए, 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था अरविंद केजरीवाल को और तब से न्यायिक हिरासत में, जुडिशियल कस्टडी में अरविंद केजरीवाल हैं दिल्ली की तिहाड़ जेल में। हालांकि बीच में 21 दिनों की उन्हें जमानत भी मिली थी चुनाव प्रचार के लिए, चुनावों के वक्त। एक एक अपडेट आपको लगातार देते रहेंगे सीधे सुप्रीम कोर्ट से।